किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फटे हुए दूध से चॉकलेट बर्फी। तो देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और दूध जो फटा हुआ दूध है उसका भी काफी अच्छा यूज हो जाता है। तो देखिए ये ओवरनाइट दूध है वो बाहर रह गया था, तो इसको जैसे ही मैंने गर्म किया दूध हमारा फट गया है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, अपने आप फटा हुआ दूध है। तो देखिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हैवी बॉटम कढ़ाई ली है, आप कोई भी जब भी ये रेसिपी बनाए। तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम है। इसके साथ ही लिया है मैंने ये आधा छोटा चम्मच, आधा चम्मच घी कढ़ाई में डाल देते। इसी चम्मच से मैंने सारा मेजरमेंट किया। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें डाल देते हैं चार चम्मच दलिया और इसको अच्छा गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे इस तरह मिक्स करते हुए। ये हमारा अच्छे से सिक चुका है, इसको ऐसा ही कलर देना। अगर हम लाइट कलर का सेकेंगे तो वो पानी डालते ही हमारा दलिया एकदम वाइट वाइट दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके का हमें सेकना है अच्छे से। अब इसमें जो हमारा फटा हुआ दूध था वो दूध हम डाल देंगे, ये वाला इसमें डाल देते हैं। सारा फटा हुआ दूध वाला मिक्सचर में मसाला मैंने डाल दिया। हम इसको इस तरीके से हिलाते हुए हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। दलिया को सेकने के लिए मैंने लिया था घी, आप चाहें तो बटर का यूज भी कर सकते हैं। फिर बाद हमारे दलिया में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसको हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे ताकि दलिया वो भी सॉफ्ट हो जाए। अगर हम इस तरीके की रेसिपी बनाते हैं तो इसमें जो फटे हुए दूध का छेना होता है वो भी काम आ जाता है और जो पानी होता है वो भी काम आ जाता है। देखिए 12 से 13 मिनट मैंने इसको पका लिया एकदम हाई फ्लेम पे, तो बैटर हमारा कितना ठीक हो गया। इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो एकदम सूखा हो जाए, तो पानी पूरा ड्राई हो गया। 2-3 मिनट और पका लिया, अब इसमें डाल देते हैं हम जो बाकी सामान हमें डालना है वो। तो सबसे पहले डाल देते हैं ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिया था मिल्क पाउडर, ये नेस्ले का मिल्क पाउडर है, ये डाल देते हैं। साथ ही डाल देते हैं 1/2 कप चीनी और 1 चम्मच लिया है मैंने कोको पाउडर। ये भी अब सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब एक बार हमारा बैटर वापस से देखिए थोड़ा पतला हो गया है क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी थोड़ा लिक्विड होता जाएगा और इसको वापस हमें जब तक एकदम थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए तब तक हमें पकाना है। देखिए मिक्सचर हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया है। तो इस तरह हमने बनाई है ये चॉकलेट बर्फी, तो इसका कलर थोड़ा अभी हमें लाइट दिख रहा है, तो इसमें हम करेंगे चॉकलेट का डार्क कलर और थोड़ा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप ताकि इसका कलर और टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। देखिए अब इसे हमें एकदम टाइट हाथ से जब तक हमारे जमने जा लायक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं हो इस तरीके से मैश करते हुए हमें पकाना है ताकि जो छेने के टुकड़े हैं वो एकदम बारीक हो जाए। देखिए दाने हल्के मैश हो गए, कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इन सारे दानों को जो छेने के दाने थे उनको फोड़ लिया है। वो हमारी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में सेट होने के लिए इस तरीके से। देखिए थाली में मैंने सॉरी बटर पेपर पहले लगा लिया था और उसको हल्का ग्रेस कर लिया, वो क्लिप गायब हो गई है। तो अब इसको हाथ से इसको टैप कर लेते हैं ताकि चारों तरफ ये इक्वल हो जाए। और लेते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें कुछ काजू कुछ बादाम और कुछ खरबूजे के बीज और कुछ पिस्ता है, मिक्स करके लिए जो आपको पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से फैला देते हैं। हल्का हल्का चम्मच से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको
तीन से चार घंटे बाहर ही सेट होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। घंटे बाद हमारी बर्फी है वो सेट हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक लेते हैं बड़ी प्लेट, उसमें इस थाली को उल्टा कर देते हैं। इस तरीके से पेपर के साथ इसको निकाल लिया। अब इसके हम पीस कट कर लेते हैं। पीस ज़्यादा बड़े नहीं कट करेंगे, छोटे छोटे करेंगे क्योंकि काफ़ी हैवी होती है। सारी चॉकलेट बर्फी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने लास्ट में छेने को टाइट हाथ से प्रेस करके उनको मिक्स किया था, अगर उसके जगह आपको टाइट हाथ से मिक्स नहीं करना तो जब दूध और जो छेना होता है वो डालते हैं तो उस टाइम उनको अलग अलग कर लें। छेने को अलग एक छलने की मदद से छान के, और छेने को आप ग्राइंडर में या पहले हाथ से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप चॉकलेट बर्फी बनाएंगे तो आपका फटा हुआ दूध वो भी यूज हो जाएगा और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।